andai mir show nan andai mir pyar ta pis ta par samanya aaj vishesh तो चेचेवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें पार्टिसिपेंट नंबर 52 श्रीमती मंजू रावत नीतिमाड़ा घाटी से, उनका मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, तो एक बार जोरदार तालियां। नमस्ते, मैं मंजू रावत उत्तराखंड की नीति घाटी से ऑनलाइन ऊंचान प्रतियोगिता और बुनाई प्रतियोगिता में मेरा ये चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो में अपना चौथा टोपी आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने ये अलग तरह से बनाया और अलग किस्म से और पुराने ज़माने में का टोपी बनाया है। ये इसमें मैंने ना फंदे इसमें नीचे से मैंने नौ फंदे डाले हैं में हर फंदे में इसकी जाली पड़ती है, हर उसमें एक एक जाली सब में पड़ती है और वो बढ़ते जाता है। इसकी नौ जैसे नौ फंदे डाले हैं तो आठ कली बनेंगे, 10 फंदे डालेंगे तो 9 कली बनेंगे। मैंने 8 कली वाला ये टोपी बनाया है, ये गोल टोपी है, इसको हम गोल टोपी कहते हैं। जो ये टोपी मैं बना रही हूँ, ये टोपी भी काफ़ी प्रचलन में था पहले, जब मेरे चाचा लोग खूब पहनते थे, अभी भी पहनते हैं मेरे चाचा। अभी ये वाला टोपी जो है अभी भी खुद भी बनाते हैं, अब खुद पहनते भी हैं इस टोपी को। इस टोपी को ऐसे ही मतलब सीधा सीधा बनाना है, जाली से बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आप बड़ा बड़ा के हम कितना 25 जाली बनाएंगे, 25 जाली के बाद ये टोपी कैसे बना फिर आप लोगों का पूरा टोपी मैं दिखाती हूँ। ये इनका इसका खाली बेस है और मतलब कैसा बनता है क्या है, और टोपी बन के तैयार ऐसा हो रखा है। ये हो रखा है टोपी बन के तैयार। और ये कलियाँ आती है ना सब, ये एक एक कली ये लाए वो आती है, जाली आती है, ऐसे जाली आते हैं। आई ये देखो एक कली हो गया इसमें आ रखे 8 कली, मैंने 8 कली के बनाया फिर भी बढ़िया बनाया। और यहाँ से जाली जो है, जाली को मैंने 25 जाली तक बुना। जो ये आपको जाली दिख रहा है ना, थोड़ा एक मैं खींच रही तब दिख रहा है, जो ये जाली दिख रहा है, हर जाली दिख रहा है इधर इसमें 25 जाली बनाया। 25 जाली बनाने के बाद मैंने एक बुना एक घटाया पूरा लाइन ऐसे करके, एक लाइन ये ऐसे किया, फिर दूसरा लाइन में फिर दो बुना एक घटा ऐसे करते यहाँ पर मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना रखा है। सॉरी, एक घटाने के बाद 4-5 लाइन मैंने सीधा बुना है। ये जो बना है ये वाइट के चक्कर में थोड़ा दिख नहीं रहा ना अच्छे से, ये सीधा बुना है यहाँ पर। जैसे ये घटा दिया, इसके बाद मैंने 4-5 लाइन बिल्कुल सीधा प्लेन जितना हमको चाहिए था बॉर्डर में डालने के लिए उतना रख के पूरा प्लेन बनाया। 106 इसमें मैंने रखा है। 6 रखने के बाद फिर बॉर्डर बनाया ऐसा उल्टा सीधा, जो हम मतलब नॉर्मली स्वेटरों पर डालते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर इसका लाल धारी आपके नियम के अनुसार डाल दिया। लाल धारी डालने के बाद जो इसकी सिलाई है, सिलाई इसकी थोड़ा अलग तरह की होती है। अब इसको मैंने थोड़ा छोड़ भी रखा सिलाई करने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैंने वैसे पूरा सिल दिया है। सिलने के बाद ना जो ये सिलाई है बिल्कुल ऐसा एक जाली को उठा के एक जो जहाँ जाली नहीं है एक उसी फंदे को उठा के और एक जाली वाला फंदा उठा के इसको भी हमको प्रॉपर जाली जैसे ही बनाना है, ताकि हमको लगे नहीं कि यहाँ पर जाली नहीं आया है और सिलाई नहीं, क्योंकि किनारे में इसका जाली है। ऐसा करके पूरा मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करके बनाएंगे ना, तो पूरा प्रॉपर ऐसा आएगा। ये फिर भी छोड़ गया थोड़ा, ये ऐसा लगेगा नहीं सिलाई है यहाँ पर, फिर सब ये एक जैसा दिखेगा, सब पूरा मतलब सब एक जैसे कलियाँ दिखेंगे, एक सा दिखेगा पूरा, ये दिखे नहीं लगेगा सिलाई है कहीं से भी, ये ऐसा दिखेगा पूरा गोल ना, दिख रहा है आपको सिलाई कहीं नहीं दिख रहा ना, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, ये बिल्कुल अच्छा। ये इसको पहन के देखिए, इसको पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग सा है। इसको पहनते इसको ऐसा पहनते सास, पहले तो खूब चलता था ऐसे पहनते ऐसे टेढ़े में ना इसको, ये ऐसा ऐसा वाइट कलर का ज़्यादा बनाते हैं, मैं तो वाइट का बनाते हैं, हर अपना अपना पसंद के हिसाब से मैंने वाइट का बनाया। वाइट ऊन, एक फैदर का ही ऊन है, वही 3 प्लाई वाला ऊन है। सब स्वेटरों के लिए मैंने सब टोपियों के लिए मैंने यही ऊन लिया है।
और लालधारी का भी वही है। आप लोगों को कैसा लगा जो ये नया टोपी, आप लोगों का पुराना मॉडल का टोपी आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चेंसवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ये टोपी के वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले नया वीडियो में नया टोपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखा आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति श्रीमती मंजू रावत जी ने दिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी टोपी बनाने के बारे में, कैसे बुनाई करते हैं इसके बारे में जानकारी दी। श्रीमती मंजू रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।